हेलो बेटा, क्लास 8 कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाउन। बेटा, नाउन आप लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास फर्स्ट से आप लोग नाउन के बारे में जान रहे हो। चलिए आज हम फिर से आपको एक बार नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन का मतलब होता है बेटा, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम होता है बेटा, ठीक है। और द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, अब थिंग अगर बोल दिया बेटा तो सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, आइडिया, कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, सब कुछ आ जाता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है, डिफाइन नाउन विद एग्जांपल, और ये आंसर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब नाउन के हम टाइप्स में आते हैं। एक होता है बेटा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड, एक सिंगल वर्ड जो किसी एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ कीज, कीज का बंच है तो उसको क्या, कीज, ढेर सारी कीज हैं तो उसको क्या कहेंगे, बंच। ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्लास कह देंगे। ढेर सारी बर्ड्स या शीप हैं तो फ्लॉक कह देंगे। ढेर सारे सोल्जर्स हैं तो उसको आर्मी कह देंगे, ठीक है। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक। अब इधर आइए, ये एक्सरसाइज है आपकी, यहाँ पर इसके आपको कलेक्टिव नाउन्स फिल करने हैं, ठीक। ये हमने फिल करके दिया है, ये आप फिल कर लीजिएगा अपनी बुक में। बुक में करने के बाद इसको आपको अपनी कॉपी में भी करना है और इसको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब एक ऐसा क्वालिटी, स्टेट या फीलिंग, एक्शन, आइडिया जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एक सिर्फ फीलिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फीलिंग होती है, टेंजिबल कभी नहीं होती है, इनटेंजिबल होती है। नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शन, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, लाफ्टर, है ना, थेफ्ट, मूवमेंट, हैट्रेड, ये सब क्या है आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड देयर ऑपोजिट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उनके ऑपोजिट्स क्या है, देखिए, एबिलिटी का इनएबिलिटी, एक्सेप्टेंस का रिजेक्शन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट, अराइवल का डिपार्चर, एसेंट का डिसेंट, बैरेनस का फर्टिलिटी, बिलीफ का डिसबिलीफ, है ना। पढ़ लीजिएगा इसको बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स आप क्या करेंगे बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, कंजूसी मत करिएगा बेटा पढ़ाई करने में। आपको हम बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मतलब पढ़ना है आपको, ये सारे वर्ड्स पढ़ना है और ये वर्ड्स आपको बुक में फिल करना है और कॉपी में लिखना है। पहले बुक में फिल करिएगा, फिर कॉपी में लिखिएगा और लर्न करिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑपोजिट वर्ड्स, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल आपको, कि कंजूसी करने लग जाए पढ़ाई करने में भी आप लोग, क्योंकि पढ़ाई नहीं करना चाहते हो। हमें बहुत जगह ऐसे कंप्लेन मिली कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए अब हम रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। जनरली नेस लगा करके, जैसे बिटर है तो बिटरनेस, ईगर है तो ईगरनेस, सेल्फिश है तो सेल्फिशनेस, हैप्पी है तो हैप्पीनेस, आइडल है तो आइडलनेस, कीन है तो कीननेस। एक और होता है बाई एडिंग आई टी वाई, एक्टिव है तो एक्टिविटी, इक्वल है तो इक्वालिटी, इन्फीरियर है तो इन्फीरियरिटी, सिविल है तो सिविलिटी, ग्रेव है तो ग्रेविटी, मेंटल है तो मेंटेलिटी, रेगुलर है तो रेगुलरिटी, पॉपुलर है तो पॉपुलैरिटी, ठीक है। कुछ में ई एन टी या ई एन सी या ए एन टी या ए एन सी जोड़ करके बनाते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ में क्या होता है, टी की जगह टी ई या सी वाई लगा देते हैं, ठीक है, टी या टी ई की जगह सी वाई लगा देते हैं। एक्यूरेट है तो एक्यूरेसी, एफिशियंट है तो एफिशियंसी, प्राइवेट से प्राइवेसी, अर्जेंट से अर्जेंसी। मिसलिनियस में क्या है, ब्रेव, ब्रेवरी, कुछ एक्स्ट्रा भी वर्ड्स हैं, ये सब भी आपको बेटा क्या करना है, पढ़ना है। इतना आप लोग बेटा पढ़ के रखिए, फिर हम आपको आगे की एक्सरसाइज कराते हैं। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया बेटा, अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली, ये है और ये है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बेटा आगे की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है, मेरी बात मानिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।